नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। अमृतसर के जंडियाला गांव में एक युवक ने विवाहित युवती के साथ बलात्कार किया। पीड़ित महिला ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद पति ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की और मामले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर के दूसरे हफ्ते में भारत दौरे पर रहेंगे। बता दें कि उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और इसराइल के बीच एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और एयर टू एयर डर्बी मिसाइल डील संभव हो सकती है। इसके साथ कृषि जल संवर्धन और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े समझौते को भी फाइनल किया जा सकता है। आईएनएक्स मीडिया मामले केस में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को हिरासत में लेने वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। इस दौरान चिदम्बरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चिदम्बरम के खिलाफ जिस पीएमएलए कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है, वो कानून 2009 में आया था और इस आधार पर उनके मुवक्किल इस पर केस दर्ज नहीं हो सकता। हालांकि माना जा रहा है कि सीबीआई आईएनएक्स केस में चिदम्बरम को आरोपी नंबर वन बना सकती है। फतेहपुर के कृपालपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद के बाद प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जयकुमार जैकी ने गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने गांव वालों से घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर एसपी को घटना की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों को दोषी पर उचित कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। आज बिंदा गांव में जो कल घटना हुई, उसके मद्देनज़र गांव में भ्रमण किया गया सीओ साहब के साथ, और लोगों में विश्वास दिलाया गया है कि न्यायसम्मत कार्रवाई होगी, किसी को किसी भी तरीके के दबाव और उसमें डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी न्यायसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, उसमें बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी। कानपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्व धान में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना है कि शासन स्तर पर जिन मांगों पर सहमति बन गई है, उनका शासनादेश जारी किया जाए। साथ ही जिन मांगों पर सिर्फ बातचीत हो रही है, उनका भी जल्द निवारण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आगे वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। महोबा के थाना सिलारपुरा में जानवरों को लेकर दो पक्षों में जमकर झड़प हो गई। देखते देखते हालात इतने बिगड़ गए कि लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार किया गया। इस घटना में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरे बड़े पापा जो थे राजदास राजपूत, उनके दरवाजे के पास कुछ अन्य पशु जानवर खड़े थे, तो उनका एक ही लड़का है, वो बाहर निकल के आया। उसने एक छोटी सी मतलब लकड़ी उठाई और जानवरों को भगाना चाहा, तो जानवर कुछ आगे चले गए, कुछ इस वाली रास्ता से चले गए। तो इस तरफ जैसे ही गए, तो वो सूरज यादव, हरगोविंद यादव का मकान पड़ता है, वो उसके दरवाजे पर पहुंच गए। तो उसकी हरगोविंद यादव की बहू सरोज एक मतलब डंडा लेकर आई और गालियां देने लगी, और गालियां देने के बाद उसने फेंक कर लाठी मारी। आयकर विभाग ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के गुरुग्राम स्थित 150 करोड़ रुपए के होटल को जब्त कर लिया है। आयकर विभाग ने ये कार्रवाई बेनामी संपत्ति के लेनदेन अधिनियम के तहत की है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्ति का स्वामित्व बाइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर, जिसमें 34% शेयर अन्य कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड बीवीआई में रजिस्टर्ड है। कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पर निशाना साधने के चक्कर में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहमान मलिक ने एक बड़ी गलती कर दी है, जिसके बाद उनका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत को नसीहत देने की कोशिश में रहमान मलिक ने एक ट्वीट किया था। दरअसल मलिक ने गुलाम नबी आजाद के बयान को साझा करते हुए इस ट्वीट को यूनाइटेड नेशंस को टैग करने की जगह ऊनो गेम्स को टैग कर दिया था।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान सरकार पर निशाना साधा है। बिलावल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले हम भारत को धमकी देते थे कि हम उससे कश्मीर छीन लेंगे, लेकिन इस नाकाम सरकार के चलते अब हालत ये हो गई है कि हमें मुजफ्फराबाद को भी बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने इमरान पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि इस सरकार के पीएम इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड पीएम हैं।